अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमाए और सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ गाजर का हलवा। तो उसके लिए हमें 2 किलो गाजर मिली हैं, उसको कद्दूकश कर लिया है। और 2 किलो गाजर को कद्दूकश करने के साथ साथ मैंने 1.5 पाव चीनी ली है और 1/2 पाव खोया लिया है मैंने, और 1/2 किलो जो है दूध है, 1 प्याली सूखा दूध है, और ये नट्स हैं, बादाम और काजू। पिस्ते नहीं थे तो नहीं, आप पिस्ते भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हैं। और ये सब्ज इलायची का पाउडर। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो गाजर में हम ये दूध डालूंगी और दूध के साथ इन गाजरों को पकाऊंगी मैं। गाजरों में उबाल आना शुरू हो गया है दूध में, और ये गाजर इसी में अपना पानी भी छोड़ेंगी और दूध में भी पकेंगी। तो जब गाजरों में पानी की जगह दूध डाला जाता है तो ये इसका फ्लेवर जो है और इन्हेंस होता है। व्यूअर्स, मैंने जो है मावा जो है, जिसे कहेंगे हम फीका खोया, वो मैंने कम लिया क्योंकि मैं मेरे पास यहाँ कम था, और उसकी जगह मैंने अल्टरनेट जो किया है वो खुश्क दूध के साथ किया है। अच्छा व्यूअर्स, आप जो है हम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिन जिन लोगों ने किया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं। और हमारे चैनल्स के तमाम वीडियो को देखा करें, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें, और फातिमा फूड बैंक की रेसिपीज़ जो पसंद आएँ और जो आप ट्राई करें उस पर लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें। पंद्रह से 20 मिनट हो गए हैं दूध के साथ गाजरों को पकते हुए। अब इसका पानी खुश हो गुनने वाला है, और अब मैं जो हूँ इस स्टेज पर चीनी ऐड करूँगी। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी तो इसलिए जो है चीनी के साथ भी गाजरें गलेंगी। 70% जो है गाजरें गल चुकी हैं। सर्दियों में मज़ा गाजरों के हलवे के साथ ही आता है, गाजर का हलवा हो, और बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी, सबकी पसंद का ये होता है। और सर्दियों की ये सीज़न जो होता है सर्दियों का, उसकी फेवरेट डिश होती है, और मज़ा दुबाला हो जाता है गाजर के हलवे के साथ। दस्तरखान का भी जो है खूबसूरती में इजाफा होता है और खाने वालों को भी मज़ा आ जाता है। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, और अब मैं यहाँ जो हूँ इसके अंदर नट्स थोड़े डालूँगी जो मैंने कटिंग करके रख दिए थे। और इसी वक्त जो है मैं इसके अंदर सब्ज़ इलायची का पाउडर भी डालूँगी, इससे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और ज़ायका भी बहुत अच्छा लगेगा। 15 से 20 सब्ज़ इलायचियाँ लेकर मैंने उसका पाउडर बना लिया है। कराची में जब भी शादियाँ होती हैं, तो सर्दियों की शादियाँ, तो उसमें गाजर का हलवा या लौकी का हलवा एज़ अ डिज़र्ट होता है मेन्यू में। तो सर्दियों की ये हमारे यहाँ की सभी हर जगह की पाकिस्तान में ये बड़ी प्यारी सौगात है, सर्दियों की सौगात ही इसको कहा जाता है। माशाल्लाह से भुनाई हो रही है और सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। बच्चों की बेकरारी जो है अपने उरूज पर है और बार बार पूछ रहे हैं कि मम्मा कब निकालेंगी, कब तैयार होगा। तो बस थोड़ी ही देर में ये तैयार हो जाएगा, लेकिन इसकी भुनाई हम अच्छी करेंगे, इसकी रंगत भी ना ख़राब हो, लगे भी नहीं, क्योंकि बड़ा नाजुक हलवा हो जाए हो है, अगर इसको हम रख के भूल जाएंगे तो फिर ये लग जाता है, जिससे इसकी जायके में भी फ़र्क आता है, रंगत में भी, रंगत खिली खिली रहनी चाहिए। इस तरह हम इसको कुक करेंगे। भुनाई तकरीबन डन है, इसके अंदर अब मैं सूखा दूध डाल दूँगी और चलाऊँगी नहीं, इसको हमें चलाना नहीं है। जब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जो है लम्स बनेंगे इसके,
जो कि खोए की मानिंद लगेगा। और थोड़ा सा मैं खोया आधा गार्निशिंग के वक्त डालूंगी और आधा इस टाइम डालूंगी। बहुत प्यारी लुक आ रही है। हमारे कैमरामैन जो है ना सुस्त हैं, डिश की फुल लुक नहीं दिखाते। ज़बरदस्त माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबको नेमतों के में अता करे और सबकी नेमतों में बेबहा जो है इजाफा करे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के जो मुश्किल वक्त है वो आसानी में बदल जाए और उसको तनज़ुली से बचाए। खोए के साथ भी इसकी भुनाई हो गई और दूध और खोए के साथ इंतहाई सोंधी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कोशिश हम लोगों की यही होती है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी और न्यू डिश लेकर आएँ, मुनफरिद और कम बजट वाली। तो आप लोग हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें। मैंने बादाम और काजू थोड़े से चॉप बचा लिए थे, वो अब मैं डालूंगी। अब इसको ट्राई करते हैं व्यूअर्स और देखते हैं कि कैसा बना है, मीठा वगैरह कैसा है। और व्यूअर्स, आप जो भी सजेशन हो हमारे चैनल के बारे में, कोई रेसिपी आप चाहते हैं तो अपनी फरमाइश ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। और आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का हमें बहुत बेचैनी से इंतज़ार रहता है। और थोड़ा ये गरम गरम बाइट है, गरम गरम सा बाइट है। और जैन को मैं ट्राई करवाती हूँ, देखते हैं कि कैसा बना है। ये बड़ा धुआं निकलता हुआ ये है, माशाल्लाह। पता नहीं कैमरामैन कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे। माशाल्लाह, चलिए बताइए भाई आप कैसा बना है। चलें भाई कैमरामैन को भी टेस्ट करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंह से नहीं, मुंह से बोलिए, मुंह से इजहार कीजिए। VIP, जस्ट VIP। ओके व्यूअर्स, दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही सर्दियों को मुख्तलिफ डिशेज के साथ इंजॉय करते रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम।